और ये जो पानी है ना ये साउथ अफ्रीका से आता है, लेकिन यहाँ ऊपर ना बंदर बैठे हुए हैं। ऊपर जाने का रास्ता वहां से है, लेकिन कुछ भी कहो यार वो बहुत बड़ी चट्टान है और अभी ये रास्ता बहुत लंबा है। मैं जानता हूँ वीडियो में बहुत छोटा लग रहा होगा, ओके, तो मेरे को क्रिकेट ग्राउंड जैसा लग रहा है। What's up everybody, welcome to another vlog। तो यार मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, वैसे मैं कल गया था नीचे की तरफ। रात मेरी रही बड़ी कमाल की, कहने का मतलब मैं सोया हूँ 1 बजे और उठा करीब 12 बजे। आज वैसे बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे पहले मैं चला कुंकलेश्वर टेम्पल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कंडोले की तरफ चलते हैं, फोटोज वगैरह खिंचवा लेता हूँ थोड़ी। तो यार अभी मैं ऊपर जा ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो वीडियो था उसे अपलोड कर लूँ, क्योंकि ऊपर सिग्नल बहुत अच्छा आता है। नीचे रूम में सिग्नल आ रहे थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे कि वीडियो अपलोड हो जाए जल्दी से। तुम्हें वो जगह दिखाई दे रही है, वो जगह ना मेरे गांव से दिखाई देती है। मेरा गांव शायद वहीं कहीं पे है, अब यहाँ से दिखाई नहीं देगा। अभी जहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं ना, वहाँ पे सारे के सारे बंदे अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, और जैसे ही मैं उन लोगों को देख रहा हूँ ना मेरी किलर कर गया। कहने का मतलब यार हम ऊपर चल चल के यहाँ पे थक गए, और सारे बंदे मस्त से बाइक निकाल के जाते हैं हमारे साइड से, वो भी तेजी में। ओके, इस समय मैं मंदिर के अंदर और मैं आगे जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। मतलब जब मैं कल यहाँ पे आया था मेरे को ये मंदिर दिखा था, मेरे को लगा सिर्फ गेट है, आगे कुछ होगा नहीं, लेकिन पता चला यहाँ पे आगे एक मंदिर है। अभी ऊपर आते आते सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना मंदिर के पास वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बंदर है। अब थोड़ा कंफ्यूजन है कि आगे जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि यार बंदरों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ के बंदर भी बहुत खूंखार है और हमें जाना उधर। ये रास्ता कहाँ जाता है प्रियांशु? ये भी मंदिर जाता है, पर ये थोड़ा उल्टा घूम के जाता है। यहाँ से मंदिर इतना पास है, लेकिन यहाँ ऊपर ना बंदर बैठे हुए हैं। देखो तुम्हें बंदर दिखाई देगा आगे वहाँ पे, वो बंदर ना पंगे ले रहा है सबसे। तो हम दोनों के दोनों यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि यार आगे बहुत ज्यादा बंदर है, बंदरों से मेरे को लग रहा है डर। तो यार ये जगह पहले मेरे को समझ नहीं आई है क्या, फिर मेरे को प्रियांशु ने बताया ये वाटर पार्क, फिर मेरे को हंसी आने लगी, फिर प्रियांशु ने बोला ये जगह ना यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, और ये जो पानी है ना ये साउथ अफ्रीका से आता है। तो नहीं यार, प्रियांशु मेरे साथ मजाक कर रहा था, ये पानी कोई साउथ अफ्रीका वगैरह से नहीं आता, ये बारिश का पानी है, ये लोग यहीं जमा करते हैं फिर यहीं कूद के नहाते हैं इस पे। तुम्हें पेड़ दिख रहा है, ये बहुत ही लंबा है यहाँ पे, मतलब पेड़ ना कुछ ज्यादा लंबे। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से रांची की तरफ, कहने का मतलब वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, मैं देख के आता हूँ स्टेडियम वाकई में है कितना बड़ा। तो मैंने अपना मास्क निकाल दिया यार, क्योंकि वो इरिटेट कर रहा था बहुत, वो थोड़ा लूज हो रखा है इसलिए बार बार नीचे उतर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया यार ये जगह क्यों बंद कर रखी है। वैसे यहाँ पर थोड़े बहुत झूले वगैरह हैं, लेकिन जहां तक मेरे को पता है पार्क ना कोविड के चक्कर में बंद कर रखा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों कोविड के चक्कर में बंद कर रखा है, क्योंकि जब मसूरी जैसी जगह में सारी की सारी जगह खुली है, तो यार यहाँ पे तो कोरोना का बिल्कुल भी मतलब सीन नहीं है। तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ये रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है, अगर सीधा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 किलोमीटर ना ऊपर जाना पड़ेगा और गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा। सामने रास्ता दिख रहा है, यहाँ से जाओ फिर ऊपर, यहाँ झाड़ियाँ हैं, रास्ता नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, बाहर गार्ड ने रोक रखा है, अंदर कोई बंदा नहीं जा रहा, आगे देखना पड़ेगा सीन क्या। अगर आगे अंदर नहीं गए ना तो हाल खराब होने वाली है, क्योंकि मैं इतना ऊंचा चल के आया हूँ, मतलब नीचे से यहाँ तक पूरा 1 या 1.5 किलोमीटर होगा। क्या हुआ प्रियांशु? ओके, तो मेरे को क्रिकेट ग्राउंड जैसा लग रहा है, चल आगे चले। और क्या, ऊपर जाने का रास्ता वहां से है, गेट से भी था लेकिन इन्होंने गेट खोला नहीं, ऊपर चढ़ना पड़ेगा यार यहाँ से। अरे यार, तो ये जो स्टेडियम है ना ये पहाड़ों पे सबसे, मैं पौड़ी इतनी बार आया, लेकिन यार ये जगह मैंने पहली बार देखी और इस जगह का नाम भी मैंने पहली बार सुना है, और सामने है बैठने का सिस्टम, तो मैं सामने जा रहा हूँ बैठने के लिए। ऊंची है यार सीढ़ियां तो बहुत। मैं जानता हूँ वीडियो में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन करो ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पीछे की साइड रास्ता है, और ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है यार, यहाँ से ना नजारा कुछ ज्यादा ही अलग है। यहाँ पे बैठती है ऑडियंस, ये एंट्रेंस है या एग्जिट है इसका पता नहीं चल रहा भाई, हालचाल देख के लग रहा है वो जगह पवेलियन हो सकती है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, और मैं इतनी ऊपर चढ़ के आया, वापस मेरे को उतना नीचे जाना पड़ेगा। यार ये इतनी बड़ी चट्टान है वहां से लेके वहां तक, और ऐसे लग रहा है ये जगह या तो नेचुरली कटी होगी या आर्टिफिशियली काटा होगा इस जगह को, तब जाके यहाँ पे ये वाला स्टेडियम बना होगा। वैसे तो नेचुरली होगा यार, आर्टिफिशियली काट तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इंडिया का पता है ना, इंडिया के हिसाब से आर्टिफिशियली इतनी बड़ी जगह को काटना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सारे के सारे मैच खेलने जाने वाले हैं, और ऊपर देखो बारिश आने के पूरे पूरे चांसेस है। और मैं निकल रहा हूँ इस जगह से बाहर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुक आना तो मेरे को वापस बारिश में भीगना पड़ेगा। आ ही जाऊंगा यार, पकड़, चलो भाई चले यहाँ से। पता नहीं यार ये क्या चीज है, रेड रेड
इस वाले रास्ते जाना पड़ेगा, ये जाएगा किंकलेश्वर की तरफ। यार इस जगह से ना वो जगह बहुत ही मस्त दिखाई दे रही है, वीडियो में बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यार यकीन करो वहाँ पे ना सनलाइट आ रही है डायरेक्ट, और यहाँ पे सनलाइट नहीं है इसी वजह से वहाँ का जो व्यू है ना बहुत कमाल का दिखाई दे रहा है। और वहाँ यार नीचे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, अब पता नहीं वहाँ पे हो क्या रहा है। तो प्रियांशु म्यूजिक चलाने जा रहा था अपने फोन में, वो भी ऑनलाइन, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे। हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे, वो दिख रही है ना तुम्हें? तो यार वो किंकलेश्वर टेम्पल है, और यहाँ से पता रास्ता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से तो छोटा लग रहा है लेकिन रास्ते में जाते जाते पता चलेगा कि कितना बड़ा है। तो वहाँ से हम नीचे आ सकते हैं? वहाँ नीचे हाँ, आ सकते हैं। छोटा रास्ता लग रहा है ना फिर? हाँ। सही है यार, हम वहाँ से जाएंगे डायरेक्ट नीचे। मैं डर गया था, मेरे को लगा वहाँ से वापस आना पड़ेगा, वहाँ से पीछे से जाना पड़ेगा हम लोगों को नीचे, लेकिन किस्मत ठीक है कि यार वहाँ मंदिर से नीचे जाने का डायरेक्ट रास्ता है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, वो चीज देख के तुम हैरान हो जाओगे यार। तुम्हें सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं होने वाली। तो मैं जा रहा हूँ यहीं सीढ़ियों के ऊपर, और मेरी हालत होने वाली है खराब पूरी तरीके से। मेरे को थोड़ी सी अलग फीलिंग आ रही थी इसीलिए, और बैक साइड से मंदिर को ज्यादा ही अलग दिखाई देता है। और इस जगह पे बहुत शांति है, कहने का मतलब है कोई नीचे से आ जाए तो यहाँ पे आओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, आराम से मेडिटेशन करो, मजा आएगा। यहाँ पर मेरे को अखरोट का पेड़ दिख गया, और इस पेड़ के अखरोट काफी बड़े हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रियांशु ने अपनी पूरी लाइफ यहीं पर स्पेंड करी। जब ये थर्ड क्लास में पढ़ता था ना, तब ये यहाँ पे आ गया था, फिर ये यहाँ पे थर्ड क्लास से लेके नाइन्थ टेंथ तक इसने यहीं पे पढ़ाई करी है, वो भी पंडित बनने की। लेकिन लाइफ का कमाल देखो, लाइफ इसे कहाँ से कहाँ लेके चली गई। कहाँ ये बंदा पंडित था, अभी सीधा होटल में। शायद आगे मिले हैं। यहाँ से तो रास्ता मेरे को छोटा लग रहा है। बड़ा है छोटा? ये छोटा वाला रास्ता कहाँ है फिर? तो यहीं से चलते हैं ना। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रूम की तरफ, और रूम पे जाने में मेरे को लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, और ये सीढ़ियाँ ना बहुत लंबी है, वो सीढ़ियाँ नीचे तक। अपनी लाइफ में मैं आज तक इतनी सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ूं भाई। अब कम से कम पता है मैं गिन के आ रहा हूँ, ये 100 से ऊपर सीढ़ियां हो चुकी हैं। चलो यार, तो ऊपर से इतना लंबा आते आते फाइनली मैं पहुंचा मेन मार्केट, और मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ घर की तरफ। और उसके बाद मैं दोबारा से शूट करूंगा ब्लॉग, वो ब्लॉग शूट करूंगा यार मैं रात के टाइम पे। चलूंगा इसके ऊपर, यहाँ नीचे गिरूंगा तो फिर वहां पे गिरूंगा सीधा, ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। बस गिर गया था मैं। और यहाँ पे कहने का मतलब है पूरा का पूरा सुनसान हो रखा है, और यहाँ से मेरे को जल्दी से निकलना है घर पे। पानी ले यार प्रियांशु। I'll just make you cry.